हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी और वेलकम बैक टू आर्बिट्री लेसन्स इस बार का जो मेरा वीडियो है ये नंस प्रीस टेल के ऊपर बेस्ड है इस वीडियो में मैं पूरी नन्स प्रीस की डिटेल है वो पूरी पोएम रीड करूँगी और उसका हिंदी में मतलब भी समझाती जाऊँगी ताकि आपके जो आर टाइप के क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए अब क्योंकि ये पोएम काफ़ी लंबी है तो मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है जिनकी की लिंक मैं इधर डिस्क्रिप्शन में डालती जाऊँगी ऑल्सो ये वीडियो अगर आप चाहें आप काम कर रहे हैं कुछ कर रहे हैं तो आप इसको सिर्फ साउंड मोड पे रख के आप सिर्फ uh, वीडियो सुनते सुनते अपने काम भी कर सकते हैं और सुन भी सकते हैं तो अब जब आप इसके बाद ये पोएम पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी अ कोल फॉक्स फुल ऑफ स्लाय इन इक्विटी डैट एंड डैट एंड द ग्रो हैड वॉन्ट यर्स्री ये जो एक दुष्ट फॉक्स था लोमड़ी ये इन जंगलों में तीन साल से घूम रहा था बाई हाई इमेजिनेशियो ऑफ फॉन्डकास्ट द सेम नाइट थ्रू आउट द देगर्स ट्रास्ट उसने क्या किया कि अपनी इमेजिनेशन को पर लगाए और जो हैज जो उनकी फैंस थी उसको तोड़ा और उनके यार्ड में घुस गया यार्ड में इन टू द यार्ड दर शॉन्टी क्लेर द फेयर वॉज वॉन्ट एंड ईक हिज वाइफ टू रिपेयर वो उस यार्ड में घुसा जहाँ पे अपना जो शांति क्लेयर है वो अपनी वाइफ्स के साथ सो रहा था एंड इन अ बेड ऑफ वर्ड स्टिल ही ले टिल इट वॉज पास्ड अन ऑफ द डे और वो आराम से कैबिज के जो पत्ता गोभी के बिस्तर थे उस पर वो सो रहा था सुबह के नौ बजे तक वेटिंग हिज टाइम ऑन शांति क्लियर टू फॉल एज ग्लैडली डन दिस होमिसाइड ऑल और इसीलिए वो क्या करा वो कर रहा है जो वो छुप के शांति क्लियर के गिरने का इंतज़ार कर रहा है क्योंकि यही तो होमिसाइड एंड जो किलर्स होते हैं वो करते हैं वो दूसरों के सोने का वेट करते हैं दैट इन अ वेट लिग इन टू मर्डर मैन जो दूसरों को मारने के लिए छुप के इंतज़ार करते हैं ओ फॉल्स मर्डरर लर्किंग इन दाई डैन ओ तुम झूठे खून करने वाले तुम जो छुप के बैठे हुए हो ओ न्यूज़ कैरियर न्यूज जर्नली ऑन अब वो जब सारे लोग उनको याद कर रहे हैं कि जैसे भगवान को हम अलग अलग भगवान को याद करते हैं कि अरे तुम ऐसे कैसे होने दे रहे हो ये वो तो सारे भगवान के यहाँ नाम लिए जा रहे हैं फॉल्स डिसाइलमर ओ ग्रीक से द ब्रॉटेस्ट ट्रॉय ऑल आउटरेस्ट सोरो और जिसने ट्रॉय जो ट्रॉय का आपने बहुत फेमस कहानी सुनी होगी कि उनको जब हमला करना था तो फोर्ट के अंदर एंट्री नहीं थी तो उन्होंने एक बहुत बड़ा सा घोड़ा बनाया उसके अंदर इनके सिपाही छुप गए और जब इन लोगों ने खोल के देखा कि अरे यहाँ घोड़ा है तो उन्होंने वो घोड़े को अंदर ले लिया और उसके अंदर इनके सिपाही थे जिन्होंने उनको मार गिराया तो वो उसके बारे में बता रहे कि जिसने सौरों लाया था दुख लाया था ट्रॉय में ओ शांति क्लीर अकस्ट पी दैट मोर अब जो शांति के लिए हमारा जो मुर्गा है उसको भी कर्ज किया हुआ था स्टॉप लगा हुआ था उस मॉर्निंग में दैट दाव दैट यार्ड फ्लो फॉर टू बीम्स कि तुम उस बीम्स की तरफ उड़ने लगे दो वर फुल वेल यार्ड बाय द ड्रीम्स और अब तुम आ रहे क्योंकि उस सपना भी एक महीना हो चुका था तो वो अपने सारे सपने भी भूल चुका था जो उसको था कि अरे मुझे सपने की वजह से बच के रहना चाहिए सब वो भूल चुका था दैट दिल दे वॉज़ पेरे टू दी और वही दिन उसके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुआ बट वॉट दैट गॉड फॉर वोट मूड नीड्स बी लेकिन भगवान जो है उनको अच्छे से सब कुछ पहले से पता होता है आफ्टर द ओपिनियन ऑफ सर्टन क्लर्की विटनेस ऑन हाइम दैट एनी परफेक्ट क्लर्क इज और जैसे कि जो स्कॉलर्स लोग होते हैं उनका अगर हम ओपिनियन पूछें तो उनको तो बहुत अच्छे से पता है कि क्या होने वाला है दैट इन स्कोल इज ग्रेट अल्ट्रेसियो इन हीज़ मैटर द ग्रेट डिस्प्यूट यू क्योंकि अब जो होने वाला है वो काफ़ी जो ये जो मैटर होगा ये डिस्प्यूटेशन यानी झगड़े का मैटर बनेगा एंड हैथ बीन ऑफ एन हंड्रेड थाउजेंड मैन बट आई ने कैन ना बुल्ड इट टू ब्रेन और जैसे कि हज़ारों लोग इसके ऊपर झगड़ा करेंगे लेकिन मैं अब इसके ऊपर कोई वैलिड इनवैलिड आर्ग्यूमेंट्स मैं कुछ नहीं बोलना चाहता एज कैन द होली डॉक्टर अगस्टीन और बोइस और द बिशप ब्राडोरिन अब वो उन होशियार लोगों के नाम ले रहा है जिन्होंने किसी बारे में बात कही है जैसे कि ऑगस्टीन है बोथियस है या ये जो बिशप है इनकी बात कर रहा है वेदर दैट गॉड इज़ वर्थ फॉर फोटिंग कि अब ये जो भगवान है इनको ये सब नॉलेज है कि नहीं स्ट्रेंथ में नीडली फर्दर डूइंग थिंग मुझे तो ये सब इसके बारे में नहीं पता है नीडली क्लैप आई सिंपल नेसेसिटी अब मैं तो अपनी ज़रूरत के हिसाब से बता रहा हूँ और एल्स इफ़ फ्री चॉय बी ग्रांटेड मी और अगर मेरे पास फ्री चॉइस है तो मैं बता रहा हूँ कि अब या तुम जरूरत की वजह से या जो भी मुझे बोलो कि मेरी चॉइस है मैं तुम्हें बता रहा हूँ टू डू दैट सेम थिंग और डू इट नॉट कि मैं वो करूँ या मैं नहीं करूँ दो गॉड फॉरवुड इट अर दैट आई वॉज रॉट लेकिन भगवान जो मुझसे भी पहले जब पैदा हुआ था तब से भगवान जानते हैं और इफ़ हीज़ विथिंग स्ट्रेंथ नेवर डील कि उनका जो नॉलेज है उसके ऊपर कभी कोई रोक नहीं है कोई एंड नहीं है बट बाय नेसेसिटी कंडीशनल बट सिर्फ एक नेसेसिटी है कंडीशनल नेसेसिटी है आई विल नॉट हैंड टू डू स्विच मैटर अब लेकिन क्योंकि ये सब जो बातें वो कर रहा है वो इसके बारे में कि भगवान सब कुछ जानते हैं कि नहीं जानते हैं ऐसा वैसा जिसके ऊपर लोगों ने डिबेट किया तो वो खुद भी बोल रहा है कि अब ठीक है इस बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा ये मुर्गे की कहानी तो मैं वही कहानी तुम्हें तो सुनाता हूँ अ टेल इज ऑफ अ काक एज यू मे हेयर दैट टॉक इज़ कंसाइल ऑफ़ हिज वाइफ विथ सोरो अब हुई बात यह कि ये जो इस मुर्गे की कहानी है जिसने गलती से अपनी बीवी की सलाह मान ली टू वॉक इन दार्ड अपॉन दैट मोरो और इसीलिए उस सुबह वो अपने आंगन में चलने के लिए चला गया दैट ही हैड मेड दैट ड्रीम दट टू टोल अब उसने जो ड्रीम देखा था उसके बारे में वो सच होता जा रहा है अवुमेंस कंसाइल बीन फुल ऑफ कोल और उन्होंने कहा कि औरतों की सलाह काफ़ी बार तक साबित होती है अवमेंस कंसाइल ब्रॉटस फर्स्ट वो और अब वो किसके बारे में बात करें एडम और ईव के टाइम पे जब ईव ने बोला था कि मुझे एप्पल खाना है जिसकी वजह से बोलते हैं कि सारे दुखों की जड़ है तो उस औरत की वजह से सबसे पहले हमें सारे दुख आए इसीलिए वो कह रहा है कि औरत की बात मत सुनो एंड मेड एडम फ्रो पैराडाइज टू गो और उस औरत ने कहा था उसकी वजह से एडम पैराडाइज से बाहर निकाला गया दे आर व एज ही वॉज फुल मेरी एंड वेलेट ईज और जबकि वहाँ पर वो लोग बहुत खुश और आराम से रह रहे थे बट फॉर आई नॉट टू होम इट माई डिसप्लीस लेकिन मैं तो नहीं जानता और मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता इफ आई कंसाइल ऑफ़ वमेन वुड ब्लेम पास ओवर फॉर आई सेड इन माई गेम और इसीलिए जहाँ जहाँ मैंने कहा कि अरे अरे औरत क्यों ही अम, मतलब औरत ही रीज़न है इस सब का तो वो तो मैं मजाक कर रहा था रीड ऑफ्टर्स वेर द ट्रेट ऑफ स्विच मेटर्स एंड वॉट द सेन ऑफ वुमेन यू मे हेयर अब तुम उन ऑथर्स की बात करो जो इस सब बारे में बोलते हैं और वो औरतों के बारे में क्या कहते हैं मुझसे मत पूछो दिस बीन द कोक्स वर्ड्स एंड नॉट माइन आई कैन नो हार्म ऑफ नो वुमेन डिवाइन और ये सारे जो वर्ड्स हैं ये उस मुर्गे के हैं मेरे नहीं हैं क्योंकि मैं तो कभी किसी औरत को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता तो यहाँ पे वो सम्भाव अपने जो उसने कहा उससे वो हाथ धो रहे हैं क्योंकि अफकोर्स ये कहानी उन्होंने लिखी तो जो वर्ड्स है वो भी उनके ही हैं लेकिन अब वो मुर्गे के थ्रू बोल रहे करे ये तो मुर्गे ने बोला मैंने कुछ नहीं बोला है फेयर इन द सून टू बेथ हायर लिथ मेरीलीटोलेट एंड ऑल हर सिस्टर्स बाय अब ये लोग आराम से रेत में बैठ के बातें बातें कर रहे थे आराम से बैठे हुए थे जहाँ पर्टोलेट और उसकी जो बहनें हैं या सौतन के लोग वो सब साथ में बैठी हुई है अगेन द सन द शांति क्लियर सोफ्री सॉन्ग मोरियर देन द मर मेड इन दी अब फिर से जो शांति क्लियर है जो अच्छा हमारा शांति क्लियर है उसने इतना अच्छा गाना गाया जैसे कि जो मर मेड होती है जल पर ही वो समंदर में गाना गाती है फॉर फिसिलोग सी करी हाउ दैट दे सिंग इन वेल एंड मेरेली कि फिसीलोग भी बोल रहा है कि अरे ये इतना अच्छा गाना कैसे गा सकता है And so befell that as he cast his eye among the द on a butterfly, और उसको एकदम उसका ध्यान पड़ा बहुत सारे अलग अलग चीज़ों में से एक butterfly के ऊपर जो कि उस cabbage पर बैठी हुई थी He was वॉर of this fox that lay full low, और एकदम से उसे ये fox दिखाई दिया जो कि छुप के बैठा हुआ था नथिंग न लिस्ट हीम दन फॉर टू क्रो और एकदम से उसको फिर भाग लगाने की इच्छा नहीं हुई बट क्राइड एनओन कॉक कॉक एन अप ही स्टार्ट बट वो सीधे चिल्लाने लगा कॉक 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 और वो भागने लगा एज मैन that वॉज अ फ्रेड इन heart, हार्ट कैसे वो भाग रहा है जैसे कि कोई इंसान जो दिल से डरा हुआ होता है वो उसी की तरह भाग रहा है फॉर नेचुरली desired डिजायर फ्ली क्योंकि अफकोर्स जो कोई डरा हुआ आदमी जो किसी राक्षस से भाग रहा है वो ऐसे ही भागेगा फॉर हिस कंट्री इफ ही मे सी लेकिन तभी उसने देखा कि दो ही नेवर अर्स्ट अर्थ साइन इट विद हाइस लेकिन फिर भी उसने कहा उसको अपनी आंखों से तो वो एकदम दिखा नहीं दिस शांति क्लियर वैन ही गेन हिम स्पाई मतलब जो लोमड़ी था उसको एकदम नहीं दिखा कि शांति क्लियर ने उसको कब देख लिया ही वुड हैंड फ्लैट बट दैट फॉक्स एन ऑन और इसीलिए वो फॉक्स जो था वो एकदम बोला उसको क्या बोला सर जोतीश सर अलास वेयर विल यू कॉन कि अरे अरे सर आप जा कहाँ रहे हो वो लोमड़ी उस मुर्गे को बोलते हैं कि अरे आप कहाँ जा रहे हो बी ए अफ्रेंड ऑफ़ मी दैट आई एम योर फ्रेंड तुम मुझसे डर क्यों रहे हो मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ नाउ सर्ट आई वर वर्स देन अ फ्रेंड फीन अगर मैंने तुम्हें कोई नुकसान पहुँचाया तो मैं तो दुष्टों से भी बड़ा दुष्ट निकला इफ आई टू योर वुल्ड हार्म और वेलनी मैं अगर तुम्हें नुकसान पहुँचाया तो मैं बहुत ही बुरा इंसान बुरा लोमड़े हुआ आई एम नॉट केम योर कंसाइल फॉर टिप्सी मैं यहाँ पे आपकी सीक्रेट्स जानने के लिए नहीं आया हूँ मैं कोई स्पाई नहीं हूँ बट ट्रूली द कॉज ऑफ माय कमिंग वॉज ओनली फॉर टू हर की नो दैट यू सिंग बट मेरे आने का एक ही रीज़न है कि मैं आपको गाना गाते हुए सुनना चाहता हूँ फॉर ट्रूली यू हैव एज मेरी अ स्टीविन एज एनी ओंगल दैट हैथ इज इन हेवन क्योंकि सच में तुम्हारी आवाज़ इतनी खूबसूरत है जैसे कि हेवन में स्वर्ग में कोई गाना गा रहा हो देअर विथ यू हैन इन मस्क मूर फीलिंग देन हैड बोइस और एनी दैट कैन सिंग और तुम्हारे जो आवाज जो तुम्हारे गाने में इतनी फीलिंग्स हैं जैसे कि बोथिस जो है उसको भी उससे भी तुम अच्छा गा रहे हो माई लॉर्ड योर फादर गॉड इज सोल ब्लेस अब वो क्या कर रहा है शांति क्लेयर के पापा के बारे में बात कर रहा है उसको चढ़ाने के लिए एंड एक की मदर ऑफ हायर जेंटलिस्ट कि आपकी मम्मी भी तो बहुत ही क्रेशियस थी हैंड इन माई हाउस ये बीन टू माई ग्रेट ईस और वो लोग भी मेरे घर में पहले आ चुके हैं एंड सर्ट सर फुल फाइन वर्ल्ड आई यू प्लीज और सटनली सर मैं भी आपको खुश रखने की कोशिश करूँगा बट फॉर मैन स्पीक ऑफ सिंगिंग आई विल से सो मूड आई ब्रोक वेल माइन आइन टू लेकिन अब जो लोग गाना गाते हैं उनके बारे में मैं कह रहा हूँ सेव यू आई हर्ड नेवर मैन स सिंग आपके अलावा मैंने किसी को इतने अच्छे से गाते हुए नहीं सुना एज डिड योर फादर इन मॉर्निंग लेकिन आपके पापा जो थे वो बहुत ही अच्छा गाते थे सर इट वॉज हार्ट ऑल दैट ही सॉन्ग और जो भी वो गाते थे वो उनके दिल से निकलता था एंड फॉर टू मेक हिज वॉइस दैट मोर स्ट्रांग और वो अपनी आवाज़ को ज़्यादा स्ट्रांग करने के लिए अब वो बताएगा क्या करते थे ही वुड सो पेन हिम दैट ही बॉथ इज यन ही मोस्ट wink सो so loud ही वुड cry। वो बोल रहा है कि अपनी आवाज़ को और स्ट्रांग बनाने के लिए वो इतना प्रेशर लगाते थे कि उनकी दोनों आँखें बंद हो जाती थी तो वो इसको सजेस्ट करा एक तरीके से कि हाँ तुम भी अपनी आँखें बंद करो एंड स्टैंडिंग ऑन हिज टिप टो with all ऑल एंड स्ट्रेच his neck लॉन्ग एंड स्मॉल और फिर वो आँख बंद करके जोर से भाग लगाते थे और अपने टिपटोज पे जो हम उंगलियों के बल पर खड़े होते हैं पैर पर पे, वैसे वो खड़े रह के अपनी जो छोटी सी गर्दन है उसको एकदम लंबा स्ट्रेच करते थे एंड ई की वर्स स्विच डिस्कर्स यू दैट देर वॉज नो मैन इन रीजन दैट हिम इन सॉन्ग और विस्टम माई पास और इसीलिए इस बात पर तो कोई मतलब झगड़ा या जजमेंट है ही नहीं कोई डिस्कशन ही नहीं है कि उनकी तरह गाने वाला कोई भी होशियार आदमी इस पूरे एरिया में तो नहीं था आई हैव विल रेड इन डाउन बर्नेल एस अब ये इस बुक की बात के बारे में बुक के बारे में बात करें डॉन ब्र बर्नेल दस अमंगज वर्स हाउ देर वॉज अ काक कि उस उस बुक में लिखा हुआ है कि बहुत सारी चीजों में से एक ही एक कैसे एक मुर्गा था फॉर दैट अ प्रीस्ट सोन या फेमनोक वो क्यों था क्योंकि जो प्रीस्ट का जो पुजारी का बेटा था उसने उसको मारा था अपॉन लेग वाइल ही वॉज यंग एंड नाइस जब वो छोटा था तब तो वो थोड़ा बेवकूफ था बच बचपना था उसमें तब उसने उसको मारा था ही मेड हिम फॉर टू लेस हिस्स और इसीलिए उसने उसके सारे बेनिफिट्स जो थे वो छीन लिए थे बट सर्टन देर इज नो कम्पेरिजन लेकिन सर्टनली कोई कंपेरिजन तो नहीं है बिटवीन द एंड डिस्क्रिशन कि वो जो थे वो बहुत ही होशियार और अच्छा गाने वाले थे ऑफ योर फादर एंड एन सर्टलिटी वो उसके पापा की वापस तारीफ कर रहा है नाउ सर फॉर सेंट चैरिटी अब तुम भी गाओ चैरिटी के लिए अब यहाँ पे उसकी चालाक देखो वो कैसे उसने उसके पापा की तारीफ वारीफ करके बोल रहा है कि अब देखो तुम भी अपने पापा की तरह गा सकते हो क्या इस लाइन में वो ये बोलेगा लेट्सी कॉन यू योर फादर काउंटरफीट क्या तुम तो अपने पापा को काउंटरफीट कर सकते हो उनको हरा सकते हो तो उसकी बड़ाई कर करके वो अब उसको लाना चाहता है लाइन कि वो जैसे ही आँख बंद करेगा ये उसको ले जाएगा दिस शांति क्लियर हिज विंग इन गैन टू बीट एज मैन दैट गुड हिज ट्राइसन नॉट एस पी सो वॉज ही रेविस्ट विथ हीज फ्लैटरी अब क्योंकि अपनी इतनी फ्लैटरी तारीफ सुन के वो तो एकदम हवा में उड़ने लगा जैसे कि वाव से ज्यादा अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता एज य लॉर्ड मैनी अ फॉल्स फ्लैटर इज़ इन योर कोर्ट एंड मैनी लोसेंगर अब मैं ये बता रहा हूँ कि ऐसे बहुत सारे जूटी तारीफ करने वाले आपके सामने आएंगे दैट प्लीज इन यू विल मूव बाय माई फेथ जो आपको खुश करने की कोशिश करेंगे दैन ही दैट सो फ्स सो फास्टनेस ऑन टू योर स्वेथ लेकिन मैं उन्हीं की तुम बात उनकी मानो जो सच कह रहे हैं टी रीज एक्सिलटिस्ट ऑफ फ्लाटरी जो लोग उस फ्लाटरी यानी कि दूसरे की तारीफ करना बिना मतलब के लाइक बढ़ाना चढ़ाना तो उनके बारे में तुम पढ़ो बीतवार या लॉर्ड और इस ट्रे करे और इसीलिए जो लोग ऐसे दुष्ट मतलब फ्लाटरी कर रहे हैं उनसे तुम दूर रहो ये राइटर बोल रहे हैं क्योंकि अब शांति की जो हालत होने वाली है उसके लिए वो हमें आगाह कर रहा है दिस शांति क्लियर सुट टूट हाई अपॉन हिज टोस तो अब शांति क्लियर जो है ये अपने टोर्स के बल पे खड़ा हो गया स्ट्रेचिंग इज नेक एंड हेयर डिजाइज क्लोज आँखें बंद कर ली और अपनी नेक को एकदम बाहर निकाल के लंबा लंबा गाने के लिए एंड बिगेन टू क्रो लाउड फॉर द नंस और जो डो से गाने लगा एंड देन रसेल द फॉक्स स्टार्टअप अ टोन्स उसी वक्त ये जो डॉन रसेल नाम का जो फॉक्स इस फॉक्स का नाम था डॉन रसेल इसने क्या किया उसको पकड़ा एंड देन बाय गार्गेट हैंड शॉन्टी क्लियर और उसके थ्रोट से पकड़ा एंड ऑन इज बैक टू वर्ड वुड हिम बेयर और उसको अपने साथ पकड़ के जंगल में जाने लगा फॉर येट ने वॉज देयर नो मैन दैट हिम सूट क्योंकि उस वक्त कोई इंसानी था जिसने उसको देखा हो जाते हुए ओ डेस्टिनी दैट माइज नॉट बीन एस्क्यूट कि हे अरे बोलते तो ना हे भाग्य के विदाता विदाता ऐसे कैसे तुम कर रहे हो आज द शांति क्लियर फ्लाई फ्रूट टू द बीम्स कि अब जो शांति क्लियर है वो भी उस तरफ जंगल की तरफ जा रहा है उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है आज हिज अलास अलास हिज वाइफ न रॉट नट ऑफ ड्रीम्स क्योंकि उसकी बीवी ने उसके सपनों की तरफ ध्यान नहीं दिया इसलिए अगर वो तब उसको आगाह करती कि हाँ हाँ तुम्हें सतर्क रहना चाहिए तो शायद वो बच जाता एंड ऑन अ फ्राइडे फिल ऑल दिस मैसेज और ये फ्राइडे अब जो पोएट है वो फ्राइडे के बारे में बताएगा कह रहे फ्राइडे कैसे बुरा होता है फ्राइडे को सारी बुरी चीज़ें होती हैं और ये भी एक फ्राइडे को ही हो रहा है ओ वीनस दैट आर्ट ऑफ गॉडेस इन प्लेजर जो वीनस को बुला रहा है जो कि आर्ट है गोडेस है आर्ट ऑन प्लेजर की साइन दैट द सर्वेंट वॉज द शांति क्लियर और इसका जो इस गॉडेस है जो शांति क्लियर है उसका बहुत बड़ा भक्त है एंड इन द सर्विस डाइड ऑल हिस्स पावर मोर फॉर दे लिट दैन व टू मल्टीप्लाय तो वो बोल रहा है कि मैंने आपकी इतनी सेवा की ताकि लो, और लोगों को खुश किया वाई वुड सफ़र हिम ऑन अ डे टू डाई तो अब उसको तुम ऐसे परेशान क्यों कर रहे हो ओ गोफ्रेड डियर मास्टर सोवेरीन अब वो दूसरे भगवान को बोल रहा है कि हे तुम तो सबसे सुपर लाइक सुप्रीम मास्टर हो दैट वैन दाई वर्थ किंग रिचर्ड व स्लेन तो जब अब वो किसकी बात कर रहा है कि जो किंग रिचर्ड थे जब उनको मार रहे थे विथ शॉर्ट कॉम्पलीहन डेट सो सोर उसको जब एरो से तीर से मार रहे थे बेदर्दी से वाई नड आई नाव दाई सेंटेंस एंड दाई लोअर तब तुमने क्यों नहीं कुछ सिखाया मुझे द फ्राइडे फॉर टू चाई सो डेंट ये और इसीलिए फ्राइडे को वो बुरा बोल रहा है फॉर ऑन अ फ्राइडे सूदली स्लेन वॉज है क्योंकि फ्राइडे को ही वो मारा गया था देन वुड आई श्यू यू हाव दैट आई कुड प्लेन तो फिर मैं कैसे बताऊं कि मैं कंप्लेन कर रहा हूँ फॉर शांति क्लियर डेड एंड फॉर हिज पेन क्योंकि वो किसके लिए कंप्लेन कर रहा है शॉन्टी क्लियर का दर्द और उसके पेन के लिए उसके साथ जो बुरा हो रहा है उसके लिए सर्ट स्विच क्राइन एल और अब रोके कोई फायदा नहीं है वॉज नेवर ऑफ लेडीज मैड वेन यू अब वो फिर से वापस ट्रॉय की बात कर रहा है वॉज वन एंड पेरिस एंड स्टेरिट्स वर्ड अब वो जब जीता था पेरस उसने क्या किया था अब वो बता रहे कि जब उसने वो जीत लिया था उसने क्या किया वेन ही हैड हैंड किंग पिरामिड ऑफ द बेड उसने क्या किया उस राजा को उसकी दाढ़ी से पकड़ा और उसकी गर्दन को काट दिया एंड स्लेन हिम एस सेन्य ऐसा हमें एन्य्स बता रहे स्ले का मार डाला था उसको एज मर्डन ऑल हैंड्स इन द क्लोज वैसे ही सारी जब उसकी बीवी कैसे चिल्लाई थी जब उसको काट के गर्दन को उसकी गर्दन को काट के अलग कर दिया था उस राजा की तो उसकी बीवी जैसे चिल्लाई थी वैसे ही इसकी सारी बीवियाँ चिल्ला रही थी वैन हैड दिस सीन शांति क्लेर द साइट जब उसने शांति क्लेयर को ऐसे जाते हुए देखा बट सोवरली डेम पर्टोलेट राइट लेकिन सबसे ज़्यादा चीखी वो पर्टोलेट फुल लाउडर देन डिड हस डेबल्स वाइफ अब ये जो राजा था इसकी बीवी जैसे चिल्लाई थी वैसे ही वो चिल्लाई वैन देट हर हसबैंड हैड लॉस्ट इज लाइफ इसकी बीवी कैसे चिल्लाई जैसे जब उसका पति मरा तो वो कैसे चिल्लाई वैसे ये पोर्टोलेट भी चिल्लाई एंड दैट रोमन्स हैड ब्रैंड कार्टेज और उन्होंने क्या किया था रोमन्स ने कि उस राजा को तो मार दिया और वो जो उसका जो गांव या जो उसका जहाँ का वो राजा था कार्टेज नाम की जगह कार्टेज वहाँ का वो राजा था उसको उन्होंने पूरा जला दिया तो उसकी बीवी भी गुस्से में आके उसी आग में कूद के अपनी जान दे दी उसने वैसी जान दे दी तो उस वक्त वो जैसे चिल्लाई वैसे ही पर्टोलेट चिल्लाई

और ये जो सारी जो दुख भरी मुर्गियाँ थी ये भी वैसे ही चिल्ला रही थी जैसे कि नेरो की सिटी को जब जलाया था वो जैसे चिल्लाई थी ऑफ रोम क्राइड एन सेनेटरस वाइफ्स जैसे कि रोम की सेनेटर की बीवियाँ चिल्लाई थी फॉर दैट हर हस्बैंड लॉस्ट ऑल देयर लाइफ जब उनके सारे जो पति थे उन लोगों की जान चली गई थी तब विदाउट गिल दिस नेरो देम स्लेन नाउ विल आई टर्न टू माई टेल अगेन वो कैसे चिल्लाई थी क्योंकि जो उनके पति थे उनको बिना किसी गिल्ट के उसके दुश्मनों ने मार डाला था और अब क्योंकि अगेन पोएट को समझ में आया कि वो अपने ट्रैक से भटक रहा है वो पोएम ना सुनाते हुए दूसरी दूसरी दुनिया भर की बातें कर रहा है तो बोलता है कि मैं वापस अपनी पोएम पे वापस आता हूँ दिस सिली लिव विद एंड ईक डॉटर्स टू तो अब ये जो बूढ़ी औरत है और अपनी दोनों बेटियों को लेकर उसने एकदम देखा हर्ड एंड दीज एंड क्राइज एंड मेक वो उसने एकदम देखा सुना कि अरे ये मुर्गियाँ चिल्ला क्यों रही हैं एंड आउट एट डोरस ट्राइट एंड द अनोन वो एकदम दरवाजे से बाहर निकली दौड़ के एंड साइन द फॉक्स टू वज ग्रोव गॉन और उन्होंने देखा कि वो जो फॉक्स है वो जंगल की तरफ भाग रहा है एंड बार अपन इज बेक एंड कोक अवे और उसने देखा कि उसने अपने पीछे वो मुर्गे को पकड़ के रखा है एंड क्राइड एंड आउट हैरो एंड वेल वे वे और देख रहे कि वो चला रहे अरे हेल्प हेल बचाओ बचाओ हा हा द फॉक्स एंड आफ्टर हिम दे रैन और वो चिल्लाए कह रहे देखो लोमड़ी लोमड़ी उसके पीछे वो भाग रही है एंड एक विथ स्टेव मैनी अदर मैन और उन्हीं के साथ में दूसरे लोग भी उसके पीछे भागने लगे रैन कॉल अव डॉग एंड टैलबर्ट गार्लैन अब वो इन सब लोगों के नाम लेंगे जो उनके साथ भागने लगे वो लोमड़ी के पीछे उनका कुत्ता जिसका नाम रैन कॉल है और उनका वो टैलबर्ट और गार्लिन ये सब भाग रहे हैं एंड मेलकिन विथ डिस्टैफ इन हर हैंड और वो जो मालकिन है वो भी एक डिस्टैफ़ हाँ, अपने हाथ में लेके भाग रही है रैन खाफ एंड काफ़ एन एक द वेरी हॉक्स अब जो गाय हैं बछड़े हैं हॉग्स है, है वो सब भी भाग रहे हैं सो सोफियर फॉर द बर्किन ऑफ द डॉग्स और वो सबको वो कुत्ते की के भोंकने के आवाज़ से डर लग रहा है एंड शॉटिंग ऑफ द मैन एंड वुमेन ईक और प्लस जो आदमी औरतें भी चला रहे हैं उसे भी उसको डर लग रहा है दे रॉन सोह हैम तोयर हार्ट ब्रेक वो ऐसे दौड़ रहे थे जैसे उनका दिल उनके हाथ में आ जाएगा द योल डिन एसपी डून इन हेल वो कैसे चला रहे हैं जैसे कि दुष्ट लोग जन जहनों में चिल्लाते हैं क्योंकि उनको बोलता है ना कि तलते हैं और मारते हैं ये वो करते हैं वो जैसे चिल्लाते हैं ये भी वैसे ही चिल्ला रहे हैं द डोग क्लाइडन एज मैन वो ड हेम क्वेल और जो डग्स हैं वो भी ऐसे चला रहे हैं जैसे कि आदमी उन्हें मारे डालेंगे द गीस फॉर फेयर फ्लोर ओवर द सी गीस जो जानवर है वो भी इधर उधर पेड़ों पर पे भाग रहे हैं आउट ऑफ़ फाइव केम दॉम ऑफ बीस इतना सब चलाना सुन के जो मधुमक्खिया है वो भी अपने छत्ते से बाहर निकल आई है सो हीडियस वॉज द नॉइस ऑफ बेनेडिक्ट अरे और वो आवाज़ इतनी ही गंदी थी कि हे hey, भगवान बचाओ मुझे सर्ट ही जेक स्ट्रॉ एंड इज मिनिस कि सर्टनली जेक स्ट्रॉ और उसकी कंपनी न मेड नेवर शॉट हाफ सोशल उन्होंने भी कभी इससे गंदा आधा साउंड भी नहीं बनाया होगा वेन दैट दोल्डन एनी फ्लेमिंग किल जब वो वो लोग कब आवाज़ करते जब वो किसी फ्लेमिंग को मारते हैं उन्होंने भी इतना गंदा आवाज़ नहीं बनाया होगा एस दिल्क द डे वॉज मैड अपॉन द फॉक्स जैसे कि ये लोग उस लोमड़ी के पीछे भाग रहे थे ऑफ ब्रास they broughten बीम्स एंड ऑफ बॉक्स उन्होंने ट्रम्पेट्स बॉक्स जो जो उनको मिल रहा था वो सब लेके उसके पीछे भाग रहे थे ऑफ हॉर्न ऑफ बून इन विच द ब्लू एंड पॉप्ट उनके पास हॉर्न थे बोन्स थे जो भी उसको मिल रहा था वो उसे उसको ऊपर फेंक रहे थे एंड दे आर विद ऑल दे स्ट्राइक डेंड द हॉप्ड और वो चला चला के उसके पीछे भाग रहे थे इट सीम एज देवन शुड फॉल ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत जो हैवन है हमारा वो नीचे गिर ही जाएगा नाव गुड मैन आई प्रे यू हर किन ऑल अब मैं आप सब लोगों को बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो लो हाओ फॉर्चून टर्न सडनली देखो कैसे किस्मत एकदम पलटी द होप एंड प्राइड ई ऑफ एर एनिमी कैसे क्योंकि जो होप और जो गर्व है उसके जो दुष्ट जो दुष्ट हमारा लोमड़ी है उसको भी अभी क्योंकि बहुत घमंड हो रहा है खुद पे कि मैंने इस मुर्गे को पकड़ लिया दिस कॉक दैट ले अपन द फॉक्स हिज बैक अब ये जो मुर्गा जो उसकी पीठ पर पड़ा हुआ है ऑन ऑल हिज ड्रेड ऑन टू द फॉक्स हीज बैक तो उसने अपनी सारी जुटा के उस लोमड़ी को बोला एंड सेट सर इफ दैट आई वेज यू येट शुड आई सेड हेल्प मी और अगर मैं आपकी जगह पर होता टर्न अगेन यूर प्राउड शेरल एल ए तो मैं इन लोगों को सबक सिखाता मुड़ के अ वेरी पेस्टिल्स अपॉन यू फॉल मैं सारी मुसीबतों से निपट लेता नाउ आई एम कम इन टू दिस वुड साइड और वैसे भी अब तो मैं जंगल की तरफ आ चुका हूँ मोगरी योर हीट द काक शेल यबाइड और इसीलिए अब चाहे तुम जो भी करो मैं तुम्हारे सारे रूल्स को मानूंगा क्योंकि ऑलरेडी हम जंगल में आ चुके हैं आई विल हाइम ईट इन फेथ इन दैट अनोन और इसीलिए मैं तो बोल रहा हूँ कि तुम इनको सबक सिखाओ द फॉक्स आंसर्ड इन फेथ इट शैल बी डन तो वो बोल रहा है कि अब एकदम फॉक्स बोलता है क्योंकि उसको भी इसने बहुत चढ़ाया ना तो वो फॉक्स बोलता है कि हाँ अगर किस्मत रही तो ऐसा ही होगा लेकिन जैसे ही उसने बोलने के लिए मुँह खोला

आई हैव टू यो कोड ही यू डोंट ट्रेस्पास कि मैं कोई गलती नहीं कर रहा था इन एज मच एज आई मेड यू अ फ्रेड चाहे मैं तुम्हें भले डरा दिया होगा वेन आई यू हैंथ एंड ब्रॉट यू आउट ऑफ यूर जब मैं तुम्हें ऐसे यार्ड से उठा के लेके आया तो मैंने तुम्हें डरा दिया होगा बट सर आई डिड इट विद नो विकेट इंटेंट मेरे इंटेंशन जो थे वो बहुत ही अच्छे थे कोई गलत इंटेंशन नहीं थे कम डाउन एन आई शिल टेल यू वट आई मैंट तुम नीचे हो मैं तुम्हारा चीज़ समझाता हूँ कि मैं क्या कहना चाहता था I shall see suit to you. God help me so. कि अब भगवान ही सच तुम्हें सच बताएगा कि मैं क्या कहना चाहता था नाई देन कोड ही आई श्र्यू डस बोथ टू तो वो मुर्गा क्या बोला कि अच्छा अब मैं दोनों को अपन दोनों को कर्ज करता हूँ एंड फर्स्ट आई श्र्यू माई सेल्फ बोथ ब्लड एंड बोन्स और सबसे पहले मैं अपने आप को ही कर्ज करूँगा ब्लड और बोन्स यानी खून और हड्डी दोनों को If you beguile me after देन once, कि अब अगर तुमने मुझे एक से ज़्यादा बार बेवकूफ़ बनाया तो मैं मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं Thou shalt नो no more through the flattery. अब जो मैं है, तुम्हारी मैं तुम्हारी इन सब बकवास झूठी बातों में नहीं आने वाला हूँ झूठी तारीफों में नहीं आऊँगा Do me to sing and wink with माइंड ये अब तुम मुझे आँखें बंद कर के गाने के लिए नहीं बोल सकते फॉर ही दैट विंग दैट ही शुड सी ऑल विलफुली गॉड लेट हिम नेवर दी और जो आंखें बंद करके गा रहा है वही देखे और भगवान उसको भगवान ही जाने उसके साथ क्या करना है ना नाई कोड द फॉक्स बट गॉड गिव हिम मिस मिस सो सोच ना वो जो फॉक्स बोलता है कि नहीं भगवान उसे मिस फॉर्चून देगा दैट इज सो इनडिसक्रीट ऑफ गवर्नेंस जो कि गवर्नेंस का इतना गलत है दैट जेंग दैट जेंगलैट्स वेन ही शुड होल्ड हिज पीस वो उनको सजा देगा जो कि पीस को रोकते हैं लो स्विच इट इज़ फॉर टू बी रेकलेस और देखो इतना केयरलेस होने की भी ज़रूरत नहीं है एंड नेग्लिजेंट एंड ट्रस्ट ऑन फ्लैटरी और इसीलिए तुम्हें मतलब तुम्हें इतना भी नाटक करने की मतलब इतना ओवर क्या ओवर करने की ज़रूरत नहीं है तुम मेरी uh, जो फ्लैटरी मेरी तारीफ पे भरोसा कर सकते हो बट ये दैट होल्ड इन दिस स्टेल फॉली एज ऑफ अ फॉक्स और ऑफ अ काक इन हैंड बट अब तुम इस कहानी से ये सीख लो इस मु, लोमड़ी मुर्गी और आ, मुर्गी की कहानी से सीख लो टेक द मोरालिटी गुड मैन फॉर सेंट पॉल सेट दैट ऑल दैट इज रिटर्न जैसे सेंट पॉल ने कहा है कि जो भी कुछ लिखा हुआ है टू अवर डॉक्टर इन इट इज़ योर राइट कीज तुम्हारे ही इंस्ट्रक्शंस के लिए लिखा हुआ है ये टेक द फ्रूट एंड द शाफ बी स्टिल कि तुम वो फ्रूट ले लो लेकिन शाफ को वहीं रहने दो ना गुड गॉड इफ दैट इट बी बाय द वेल आई सी माई लॉड सो मेक एस ऑल गुड मैन अब अगर भगवान की इच्छा होगी तो वो हम सभी को अच्छे आदमी अच्छे इंसान बनाएंगे एंड ब्रिंग गर्स टू द हाई ब्लिस एम इन और हम सबको अच्छा आदमी बना के हमें खुशियाँ देंगे एम इन और यहाँ पर जो नंस प्री स्टेल है उसका थर्ड एंड लास्ट पार्ट मैं ख़त्म कर रही हूँ आई हो पाप सबको ये अच्छे से समझ में आया होगा तो आई uh, होप ये सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा सारी स्टोरी सारी पोएम सब कुछ मैं सारे uh, जो नोट्स हैं वो सब यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर रही हूँ प्लस जो सारी इंपॉर्टेंट लिंक्स मुझे जहाँ से मैंने नोट्स बनाए जहाँ से मैंने पढ़ा उन सबका भी डिस्क्रिप्शन यही लिंक uh, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है तो आप प्लीज़ उन सबको चेक कीजिए प्लस इग्नू के जो नोट्स है उसकी भी लिंक मैंने यहाँ डाली हुई है प्लस पेज नंबर के साथ में जहाँ पर वर्ड मीनिंग और जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब मैं डाल रही हूँ अगर आपको एक शॉर्ट में वीडियो चाहिए जहाँ पे मैं सिर्फ इसकी जस्ट समझा दूँ तो उसके लिए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन तो मैं एक शॉर्ट वीडियो भी बना दूँगी जिसमें कि सब कुछ ईजिली समझ में आ जाए अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है या एग्जाम पास में है और यू जस्ट वॉन्ट टू नो द बेसिक्स सो लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो एंड आई होप यू विल शेयर दिस शेयर माई चैनल विद ऑल योर फ्रेंड्स ताकि उनको भी फ़ायदा हो सो आई होप टू सी यू सोन इन द नेक्स्ट वन थैंक यू